नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज कौन सा दिन है? गुरुवार है ना, थर्सडे है। तो थर्सडे के दिन कौन सी एक्सपायरी होती है दोस्तों? निफ्टी की है ना, तो निफ्टी की आज एक्सपायरी है। तो आज हमने जो ट्रेड ले रखा होगा किसके ऊपर ले रखा होगा? निफ्टी के ऊपर ले रखा होगा है ना। तो कैसे करते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपके पास आपका पोर्टफोलियो होगा। जो भी आपका पोर्टफोलियो है, मान लो आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है और इसके अंदर 10 स्क्रिप्ट है ना। तो आपने क्या कर दिया, इसे प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। समझ में आ रहा है? नहीं आता। प्लेस करने के बाद दोस्तों, जो 10 लाख रुपए है आपका, जो भी ब्रोकर है वो आपको 7 लाख मान लो मार्जिन दे देते हैं है ना। अब ये जो मार्जिन मिल रखा है, इस मार्जिन को यूज करके आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, जिस भी दिन की एक्सपायरी होती है, जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी है, उसे आप फार ओटीएम शॉर्ट कर देते हो। फार ओटीएम का मतलब होता है दोस्तों, जो भी आपका इंडेक्स जहां पर भी चल रहा है उससे 2-2.5% ऊपर की कॉल। मैं ऊपर के लिए क्या करता हूँ, ठीक, 2-2.5% की कॉल को शॉर्ट करोगे आप लोग, और नीचे की 2 या 2.5% की पुट को शॉर्ट करोगे। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? जो आपको मार्जिन मिल रहा है उस मार्जिन से है ना। तो अगर मार्जिन कैसे, मतलब स्टॉक को कैसे प्लेस करना है, अगर ये भी आप लोगों को समझना है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स कर दीजिए, मैं डिटेल में बता दूंगा। या आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, तो आपको डिटेल में बता दूंगा कैसे प्लेस करना है। अदरवाइज यूट्यूब पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगी कि किस तरीके से स्टॉक को प्लेस करा जाता है। तो मार्जिन मिलने के बाद दोस्तों, जिस भी दिन की एक्सपायरी है उसका, जो भी जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी है उसकी 2-2.5% ऊपर की कॉल को शॉर्ट करना है और 2-2.5% नीचे की पुट को शॉर्ट करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आज देखो क्या हुआ, आज अपनी निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी के अंदर हमने क्या कर रखा है, निफ्टी जब ओपन हुआ था कितने पे ओपन हुआ था, नजर आ रहा है आप लोगों को चार्ट? आ ही रहा होगा, ये रही कैंडल पहली, तो 21,620 के आसपास दिखा रहे, 21,600 के आसपास मान के चलो। तो 21,600 पे था, तो हमने क्या करा, आ जाओ ऑर्डर पे, आ जाओ। अब ऑर्डर पे चेक करते हैं हमने क्या कर रखा होगा। हमने 21,150 वाली पुट और 21,950 वाली कॉल को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद मैंने क्या करा, जो 21,150 वाली पुट थी वो मुझे काफी दूर लग रही थी, तो मैंने उसे बाय करा और 21,250 वाली पुट को शॉर्ट कर दिया। फिर से समझते हैं क्या करा मैंने, इस वाले पोर्शन को देखो यहाँ पे, हाँ, 21,150 वाली पुट को जो मैंने पहले शॉर्ट कर रखा था उससे बाहर निकल गए, और उसकी जगह पे हमने क्या करा, 21,250 वाली पुट को शॉर्ट कर दिया। फिर हमने क्या करा, 21,250 वाली पुट को, क्योंकि मार्केट तो पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो मैंने क्या, मुझे लगा कि अब मार्केट फिर नीचे तो आएगी नहीं अब इतनी ज़्यादा, तो मैंने दोबारा से क्या करा दोस्तों, 21,250 वाली पुट को बाय कर लिया और 21,350 वाली पुट को शॉर्ट कर दिया। तो फाइनली अपने पास क्या बचा हुआ, 21,350 वाली पुट बची होगी और जो कॉल मॉर्निंग में थी 21,950 वाली वो बची होगी है ना। तो स्क्रीन पे वही नजर आ रहा है आप लोगों को। अब होगा क्या, आपने कितने पे शॉर्ट कर रखा है, आज अगर आज का प्रॉफिट निकालना चाहो तो क्या होगा आपका, 650 क्वांटिटी आपके पास किसकी है, कॉल पुट की, और कितने में शॉर्ट कर रखा है आपने, 80 पैसे पे, और 750 क्वांटिटी आपके पास कॉल की है वो कितने पे शॉर्ट कर रखा है आपने, 75 पैसे पे। तो ये आपको मिल जाएगा जो भी प्रॉफिट वगैरह है, प्लस में 195 जो हमने 21,250 वाली में कमा रखा है, ये आपका टोटल आज का प्रॉफिट होगा। अगर आप ब्रोकरेज चेक करना चाहते हैं तो ऑर्डर पे जाओ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नोट में आपको ब्रोकरेज नज़र आ जाएगी। हर एक ब्रोकर का अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है दोस्तों, तो हर एक में अलग अलग तरीके से देखते हैं, ये मैं जीरोधा की बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप लोग भी ट्राई करेंगे। अच्छा, पहली बात दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ना, लर्निंग पर्पज से बनाता हूँ, तो ऐसा मत सोचो कि मैं आप लोगों को ट्रेड लेने के लिए इनिशिएट कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरा मोटिव। मेरा मोटिव तो ये है कि एक ये भी ट्रेडिंग करने का तरीका होता है जिससे आप लोग अपनी एक एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। समझ में आती है यहाँ तक बातें? अच्छा, दूसरा दोस्तों, जो आज का वीडियो है इसके अंदर मेरा जो पूरे साल का प्रॉफिट है, मैंने इसके थ्रू जो भी ऑप्शन में प्रॉफिट बना रखा है, उसका लिंक भी आपको जो जीरोधा की तरफ से वेरीफाइड पीएनएल होता है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग अगर चाहें मेरा पीएनएल चेक करना, वेरीफाई करना, तो
तो वो भी आपको इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को डीमैट अकाउंट खुलवाना है कोटेक के साथ तो उसका भी लिंक आप लोगों को मेरी वीडियो में मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ समझना है दोस्तों तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री राधे।